आज हम रावलपिंडी कचहरी में मौजूद हैं और अफसोस की बात यह है कि बारहा मुल्क पाकिस्तान में ये बात कही जाती है कि माइनॉरिटीज आर सेफ इन पाकिस्तान, बट आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान। पिछले महीने 25 तारीख को एक FIR दर्ज हुई जिसमें अलीना नाम की एक मसीही बच्ची जिसकी उम्र 14 साल थी उसको अगवा किया गया, उसका जबरन मजहब तब्दील किया गया और उसकी जबरन शादी करवा दी। आज हम अदालत में मौजूद थे और इंतज़ार कर रहे थे और जो मुल्ज़िम पार्टी है उन्होंने 25-164 के बयान आज कोर्ट में करवाने के लिए आना था, हफ्ते को भी उन्होंने आना था गुज़श्ता हफ्ते को, लेकिन वो नहीं आए। आज भी उन्होंने बयान दिलवाने के लिए आना था, आज भी नहीं आए। काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं और आज उनके ना पेश होने की वजह से जो इस्तगासा था 164 के बयान थे वो जज साहब ने खारिज कर दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही मुंजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बच्ची को रिकवर किया जाएगा। मैं गुजारिश करूँगा कि मंजूर साहब से कि वो भी इस बात को पूछवा। जी, मैं समझता हूँ कि यह गुवाहाटी के साथ जो है बड़ा जुर्म जबर है कि कब तक हमारी बेटियों को उनको किसी तरह हासा किया जाएगा, जल्दी तब्दील किया जाएगा। हम इस्लाम के तक खराब नहीं है, इस्लाम एक अच्छा नहीं जगह है, लेकिन इन एक मसूम बच्चे जिनको अपने आप का नहीं पता वो इस्लाम को क्या समझ, हम कतई ना तासब करते हैं ना आप आग जाने वाले लोग हैं ना हम जुर्म जबर करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं विनती करता हूँ रियासत से अपनी जुडिशरी से उधर अदालतों में जो गलत बयानी दी जाती है या कोई भी निकाह बंद कर दिए जाते हैं तो उधर एजेज कुछ होती है आज पाकिस्तान का बताया 14 साल जुलम की इंतहा आज 7 दिन हो गए। इस्लामाबाद पुलिस भी सुनिए आई जी साहब प्लीज़ आप नोटिस लें, मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और वो मसूम बच्चे जो है उनके वालदैन के हवाले की जाए। जी आज 164 की गवाही थी इस्तगासा जो वज़ीरे से 164 के बयान पर अमल किए जाने थे तो ये इलाका मजिस्ट्रेटी कोर्ट से मतलब तहरीर खारिज हो गई और मेरे नज़दीक दीन या मिशन नेटवर्क ने एक गुटी की तो पेश हूँ, लेकिन ये एक सरासर ज्यादती वाला काम है कि जिसमें एक 14 साल की नाबालिग लड़की काम को कबूल करवा कर आगे उसका निकाह कर बाकी मेरी अदालत से और दीगर पुलिस प्रशासन से यही इल्तिजा है कि मुतलका जो भी मुल्ज़िमान होगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जाए।